तो आपके लैपटॉप का फ़ैन जैम हो गया है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये लैपटॉप का फ़ैन है इसको फ्री कर देना है, जैम फ्री। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई डिटेल्स मिस ना हो। तो हमारे पास जो लैपटॉप है हमारा एसर का, वो हो गया है उसका ख़राब, तो यहाँ पर ये जैम हुआ था। बट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर वीडियो में कैसे यहाँ पर ये फ़ैन जैम हुआ था, कैसे हमने यहाँ पर ठीक कर लिया। तो आप देख सकते हैं छोटी सी वीडियो हमने रिकॉर्ड कर दी थी कि फ़ैन कैसे यहाँ पर जैम था और कितना यहाँ पर रोटेशन मिल रहा था फ़ैन के लिए, एक बार घुमाने पर कितना रोटेशन मिल रहा था। तो ज़्यादा यहाँ पर मिल नहीं रहा था तो अटक रहा था। तो हमें क्या करना है, ये जो फ़ैन है ना, ये आपको यहाँ पर ऐसे माउंटेड मिलेगा, तो इसको है ना पहले स्क्रू से निकाल दो, ठीक है। निकाल देने के बाद अगर आपके पास ये लैपटॉप एसर S5 का है, तो यहाँ पर आपको क्लिप्स मिलते, क्लिप्स मतलब ऐसे ब्लैक कलर्स के यहाँ पर क्लिप्स रहते हैं, आप देख सकते हैं या नहीं, तो जी हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिप्स मिलते हैं। वो क्लिप्स को आपको कट कर देना है ताकि ये ऊपर का जो पैनल है उसका वो निकल जाए। तो ये निकलने के बाद आपका जो फ़ैन है वो यहाँ पर ऐसा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर फ़ैन है और ये फ़ैन को सिर्फ आपको हल्का सा कूल करना है, यहाँ पर निकल जाएगा, कुछ ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम रखते हैं साइड में। तो ये जो फ़ैन है आपको यहाँ पर जो अंदर का पार्ट है ये पोर्शन को आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर सामान की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको लेना है सैनिटाइज़र या फिर कोई भी एक अल्कोहल या फिर स्प्रेड आप यूज़ कर सकते हो क्लीनिंग करने के लिए, और साथ में बस आपको टिश्यू पेपर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो सैनिटाइज़र है या फिर आपके पास स्प्रिट रहेगा तो स्प्रिट, तो इसको है ना पहले टिश्यू पेपर पे लगा लो, अच्छे से लगा लो, और फ़ैन के अंदर के पोर्शन पे यहाँ पर साफ़ कर दो। तो यहाँ पर स्पिरिट या फिर जो भी अल्कोहल है वो एनवायरनमेंट में इवापोरेट हो जाता है जल्दी से, तो यहाँ पर आप सेफ़ रहोगे अगर ये यूज़ किया तो। अगर आपने पानी से यहाँ पर पूरा फ़ैन को भिगो दिया तो आपको एक थोड़ा सा रिस्क बन जाएगा कि ये फ़ैन शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो इसकी वजह से सेफ्टी पहले, तो आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना है या फिर कोई भी एक स्पिरिट या फिर अल्कोहल। तो ये हो गया है साफ़ हमारा, आप देख सकते बहुत सारी धूल थी हमारे ये फ़ैन में, तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ड्रायर से भी हमने ड्राई कर लिया है, तो उससे अच्छा डबल सेफ्टी हमें कर लिया है। तो यहाँ पर आपको ये वाले पोर्शन में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत सा क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बस ब्रश लगा के ऐसे साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर टच नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपली एक स्टिक लेनी है, कोई भी एक छोटी सी स्टिक लेनी है आपको, और इसके मिडल पोर्शन में यहाँ पर एक ल्यूब्रिकेंट डालना है जो कि हमारे पास है पैराशूट का तेल, तो हम तेल डाल रहे हैं यहाँ पर। और या फिर आप यही यहाँ पर जो फ़ैन है इसके जो मेटलिक ये लीड जो निकला है यहाँ पर, तो इसको ही आप वो तेल लगा लो या फिर एक ल्यूब्रिकेंट लगा लो ताकि आपका फ़ैन वो स्मूथ घूमे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ल्यूब्रिकेंट लिया है, यहाँ पर ऑयल है हमारे पास, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि अच्छे से रोटेशन करे। और यहाँ पर है हमारा फ़ैन और इसको हम लगा देते हैं इसके अंदर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी फास्ट यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर पहले की जो फ़ैन था कैसे यहाँ पर स्लो घूम रहा था और उसका कम रोटेशन मिल रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही रोटेशन मिल रहा है। तो आपका जो फ़ैन है यहाँ पर फिक्स हो गया है। तो हमारा ये फ़ैन अभी रेडी है, आप देख सकते हैं। तो अब इसे लगा देते, माउंट कर देते लैपटॉप को, लैपटॉप पे। तो सबसे पहले माउंट करने से पहले आपको यहाँ पर ये जो छोटी सी पिन है इसको ये वाले सॉकेट में लगा देना है ताकि आपका पावर सप्लाई मिले फ़ैन को, वरना ये नहीं लगाया तो आपका फ़ैन ही नहीं चलेगा और आपका जो लैपटॉप है वो हीटिंग करना चालू कर देगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया ये फ़ैन और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लीड है वो थोड़ा सा निकलती है, बट कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि हमारे पास है स्क्रूज, इसके हम लगा देंगे ताकि ये फिट यहाँ पर लगा रहे। तो हमारा जो अभी यहाँ पर कनेक्शन हो गया है, अभी चेक करते हैं यहाँ पर कि ये कैसे यहाँ पर रोटेट करता है। तो हमारा जो लैपटॉप है वो तो पावर केबल से ही चालू होता है, तो हम यहाँ पर प्लग कर देते हैं पावर सप्लाई को, और किसी भी सामान को टच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर करंट रहता है हाथ में या फिर बॉडी में, तो सबसे पहले आपको डिस्चार्ज कर ले लो या फिर कोई भी एक वुड हाथ में रखना ज़रूरी है। तो हमारा जो है वो पावर कनेक्शन ऑन हो चुका है, तो अभी हम
लैपटॉप को ऑन कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर फ़ैन हो चुका है ऑन। तो सबसे पहले यहाँ पर फ़ैन जो है अभी मैंने स्लीप मोड पर रखा है तो फिर से स्टार्ट होगा। तो चलिए आपको एक बार और करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ैन इजीली ऑन हो चुका है और यहाँ पर आपका कूलिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टिश्यू पेपर है वो उड़ रहा है यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। तो इसका मतलब आपका जो फ़ैन है वो परफेक्ट काम कर रहा है। और मैं यहाँ पर टच करके भी दिखाता हूँ तो काफ़ी फास्ट यहाँ पर हो चुका है फ़ैन। तो मेरा जो यहाँ पर प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड का हीटिंग हो रहा था वो 92 से 93 डिग्री तक जा रहा था। तो एक रीज़न था वही कि आपका जो फ़ैन है उसमें डस्ट चढ़ गई थी, तो इसकी वजह से आपको क्लीनिंग करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से फ़ैन जैम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको स्टेप सारे बता दिए और सावधानी पूर्वक यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो लीड का जो एक प्लास्टिक का जो पार्ट रहता है इसको आपको ध्यान से कट करना है, ताकि आपका जो ये साइड का प्लास्टिक है या फिर कोई कंपोनेंट को डैमेज ना पहुँचे, तो वो एक ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको स्क्रूज़ वगैरह मिलते हैं तो अच्छी बात है, बट हमारे पास यहाँ पर प्लास्टिक के क्लिप्स थे। तो पहले मेरा जो यहाँ पर जैम हुआ था तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर मिल रहा था वो है था 92 डिग्री और 93 डिग्री के आसपास हमारा टेम्परेचर जा रहा था, लैपटॉप पूरा हीट हो रहा था। तो अभी चेक करते हैं हमारा टेम्परेचर क्या आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपना टेम्परेचर है जीपीयू का, ये बताता है 43 डिग्री सेल्सियस, 44 नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर अभी हो चुका है। फ़ैन भी ऑन हो चुका है, हम यहाँ पर फील कर सकते हैं लैपटॉप के ऊपर वाइब्रेशंस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा एक गेम प्ले करके देखते हैं और इसका टेम्परेचर कितना होता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो लगभग हमने यहाँ पर 15 मिनट का गेम प्ले खेला है, तो अभी देखते हैं इसका टेम्परेचर कितना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 71-72 तक पहुँचता है, जो कि कॉमन है आपको गेमिंग खेलते वक्त इतना टेम्परेचर होता है। बट 92-93 टेम्परेचर इतना ज़्यादा होना ये नॉर्मल नहीं है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर सब फैंस वगैरह साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से आप अपने जो सीपीयू के फैंस है लैपटॉप के वो चालू कर सकते हो, जो भी यहाँ पर जैम हुआ रहेगा उसको यहाँ पर आप फ्री कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको पसंद है, पसंद आते जरूर से लाइक बटन क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं सारे सवालों के जवाब देता हूँ। एंड डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू जी टेक्स, और हाँ साथ ही साथ घंटे बजा देना। बाय।